भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 118,447 जबकि एक्टिव केसेस 66,330 हैं, वहीं ठीक होने वालों की संख्या 48,533। यूपी में कोरोना के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, 24 घंटे के भीतर आए 341 नए कोरोना पॉजिटिव, सबसे ज्यादा 54 मामले बाराबंकी से। सूबे में संक्रमितों की संख्या 5,500 के पार। बाराबंकी में फिर 9 नए पॉजिटिव केस, अब बाराबंकी में 133 भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, प्रयागराज में 4 नए मामले मिले, अंबेडकर नगर में 2 नए पॉजिटिव केसेस मिले। वंदे भारत मिशन के तहत आ रहे भारतीय मलेशिया से भारतीयों को लेकर आया विमान, लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय नागरिक, सभी यात्रियों को जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा। देर रात वंदे भारत मिशन के तहत विमान कुआलालंपुर से भारतीय नागरिक को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा। रेल टिकट बुकिंग के लिए रेलवे ने दी बड़ी सहूलियत, आज से रेलवे स्टेशन काउंटर पर भी बुकिंग शुरू, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। बाराबंकी जिले में आज आए 9 कोरोना के पॉजिटिव केसेस, 17 मई को लिए गए थे, 41 सैंपल की जांच में 6 लोगों की कोरोना की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 18 मई को लिए गए सैंपल में 3 लोगों की कोरोना की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानों को चलाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराए की सीमा तय की गई है, जिसका सभी एयरलाइंस को पालन करना होगा। 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें शुरू होंगी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे जुड़ी हुई अहम जानकारियां साझा की। प्रवासी मजदूरों की गांव में हो रही वापसी एक और, जहां कोरोना के केसेस बढ़ा रहे हैं तो ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी, गांव में दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई लेकिन ग्रामीणों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आगरा में कोरोना क्राइसिस में पुलिस का विशेष दल का गठन, रैपिड रिएक्शन टीम यानी आरआरटी का दिया गया इसे नाम, फिलहाल दल में 35 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। लंबे समय के बाद लॉकडाउन 4 में राजधानी लखनऊ के बाजार फिर से खुले, सुबह बाजार खुलने के साथ ही दुकानों और शोरूम के बाहर ग्राहकों का आना शुरू। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा छूट मिलने के बाद बाजारों में दिखी रौनक, शहरी इलाकों में एक कैटेगरी की दुकानों को खुलेंगे तो मंगलवार को दूसरे कैटेगरी की दुकानें खुलेंगी। महाराजगंज जिले में प्रवासी श्रमिकों का लगातार आना जारी, बीते दिनों से जिले में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़े, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिले के अलग अलग कस्बों समेत भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पैदल मार्च कर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पैदल मार्च के दौरान बताया गया इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिले के डीएम और एसपी सड़क पर उतरकर वाहन चालकों, राहगीरों, दुकानदारों, बैंक कर्मियों समेत सभी को कर रहे हैं जागरूक। यूपी के जौनपुर जिले में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या 31 से बढ़कर 47 हुई, एक ही दिन में 16 रिकॉर्ड मरीज बढ़ गए। उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 146। बेंगलुरु से 1100 प्रवासी लोगों को लेकर लालकुआ पहुंचे स्पेशल ट्रेन, 2 दिन का सफर तय करने के बाद देवभूमि पहुंचे लोग, मेडिकल जांच के बाद क्वारंटीन की तैयारी। लॉकडाउन में फंसे नागरिकों को बड़ी राहत, धारचूला पुल खोला गया, भारत नेपाल बॉर्डर खोला गया, इससे आवाजाही शुरू, धारचूला विधायक हरीश धामी और एसडीएम भारतीयों के स्वागत के लिए रहे मौजूद। उत्तरकाशी में कोरोना युवक पॉजिटिव के कोरोना के पॉजिटिव युवक के खिलाफ जानकारी छिपाने का केस दर्ज, उसके खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा भी दर्ज। अल्मोड़ा जिले में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप, मरीज अपने नैनीताल के साथियों के साथ दिल्ली से लौटा था, पॉजिटिव आते ही युवक को क्वारंटीन किया गया। कोरोना को लेकर देहरादून नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक हुई, संक्रमण की रोकथाम के लिए कई अहम फैसले लिए गए, प्रवासियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई। मसूरी में कोरोना वॉरियर्स को युवाओं ने किया सलाम, उनके सम्मान में सड़क पर बनाए पेंटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। रुड़की में लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण काफी हुआ कम, लॉकडाउन के बाद तमाम फैक्ट्रियां बंद, यही वजह पिछले साल अप्रैल और मई की तुलना में इस साल वायु प्रदूषण में 50% की कमी है।